हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी केस डिस्कस करेंगे। ये केस 2020 का है और 2020 के इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स में से एक है। तो अब इस केस में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और उसके अंदर आने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस को डिस्कस किया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं इसकी हिस्ट्री को। तो अब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड एक्ट 2015 के अंदर तीन तरीके के ऑफेंसेस डिफाइंड है। एक होता है पेटी ऑफेंस, दूसरा होता है सीरियस ऑफेंस और तीसरा होता है हीनियस ऑफेंस। और इन तीनों के जिस तरीके से इनको ट्रायल करना है और जिस तरीके की इनकी पनिशमेंट देनी है वो भी अलग होती है। एज़ यूजुअल पेटी ऑफेंस है तो मतलब कि कोई छोटा मोटा क्राइम ही किया है तो उसको उसी हिसाब से ट्राई किया जाएगा। तो अब किसी भी एक्ट पे किस तरीके का ट्रायल होना है ये बताया गया है सेक्शन 14 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो सेक्शन 14 में ये बोला गया है कि अगर पेटी ऑफेंस होगा तो हम उसमें समरी ट्रायल करेंगे, अगर सीरियस ऑफेंस होगा सो देन वील फॉलो द प्रोसीजर इन द ट्रायल ऑफ अ समन्स केस, और अगर हीनियस ऑफेंस होगा तो उसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर वो हीनियस ऑफेंस जिस इंसान ने की है वो बच्चा अगर 16 साल से कम है तो हम उसको सीरियस ऑफेंसेस के ही उसमें रख देंगे और हम वैसे ही उसका ट्रायल करेंगे जैसे कि ट्रायल इन अ केस ऑफ समन्स। पर अगर वो जो बच्चा है वो 16 साल से बड़ा है तो हम उसको ऐसे ट्राई करेंगे जैसे कि हम किसी भी अडल्ट को करते हैं जब उन्होंने वो पर्टिकुलर हीनियस क्राइम किया होगा। तो इस तरीके से डेफिनेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कोई भी एक्ट पेटी होता है, सीरियस होता है या हीनियस होता है। तो वो हमारा बताया गया है डेफिनेशंस में, विच इज़ सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो अब सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बात करता है पेटी ऑफेंसेस की। पेटी ऑफेंसेस वो होते हैं जिनकी पनिशमेंट आईपीसी के हिसाब से मैक्सिमम 3 साल की हो और मिनिमम फाइन हो। इसके बाद सीरियस ऑफेंसेस डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। सीरियस ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनकी पनिशमेंट आईपीसी के हिसाब से 3 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। अब इसके बाद जो हीनियस ऑफेंसेस हैं वो है सेक्शन 2 क्लॉज 33 में, और उसमें ये लिखा गया है कि हर वो ऑफेंस जिनकी इंडियन पिनल कोड के हिसाब से मिनिमम पनिशमेंट 7 साल से हो या फिर उससे ज़्यादा हो वो हीनियस ऑफेंस में आएंगे। तो अब जब जुवेनाइल जस्टिस केस के अंदर किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी केस होता है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि उसका जो ऑफेंस है वो सीरियस, पेटी या फिर हीनियस कौन से में आएगा, और अकॉर्डिंगली ही उसको ट्राई किया जाता है। तो अब जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर पेटी ऑफेंस होता है तो उसका हम समरी ट्रायल करते हैं। समरी ट्रायल का मतलब ये होता है कि वहाँ पर मैजिस्ट्रेट कोई फॉर्मल चार्ज क्रिएट नहीं करता है। सो बेसिकली हम ना तो एविडेंस को अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, ना ही हम मतलब विटनेसेस को उतना बुलाते हैं, ना ही सारी चीज़ें एकदम रिकॉर्ड में होती हैं, और फॉर्मल चार्ज भी नहीं मेंटेन होता है। हम उसको एज अ बच्चे की गलती की तरह ट्रीट करते हैं और उसको वैसे ही ट्राई करते हैं और पनिशमेंट दे देते हैं। सीरियस ऑफेंसेस के केस में क्या होता है कि वहाँ पर ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि ट्रायल फॉर समन्स केस में किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मल चार्ज भी मेंटेन होता है, इसमें हर चीज़ को सीरियसली लिया जाता है, इसमें हम विटनेसेस को भी बुलाते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो सब कुछ वैसे ही होता है जैसे कि जनरल प्रोसीजर में फॉलो किया जाता है। बस यहाँ पर फ़र्क ये पड़ जाता है कि यहाँ पर हम जो भी वो इंसान है जो वो जिसको अक्यूज़ माना गया है उसको हम एक बच्चे की तरह ही देखते हैं, उसको हम जुवेनाइल जस्टिस के अंदर इस एक्ट के अंदर ही तहत ट्राई करते हैं और उसको मानते हैं कि हाँ वो एक बच्चा था, एंड देयरफॉर हम पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए भी थोड़ा सा एक लीवे रहता है बिकॉज अगेन हम ये मान रहे हैं कि वो एक बच्चा था एंड ही डिड नॉट हैड दैट इंटेंशन एंड एवरीथिंग टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम। अब इसके बाद जब हीनियस ऑफेंस आ जाता है और हीनियस ऑफेंस में भी कोई इंसान जो 16 साल से ज़्यादा का है तो उसमें हम ये मान लेते हैं कि नहीं नहीं अगर हमें ये लगेगा कि हाँ उसके पास पूरा ऐसा मेंटल एबिलिटी थी कि उसने वो क्राइम सोच समझ के किया है तो हम उसको वैसे ट्राई करेंगे जैसे कि किसी भी एक नॉर्मल पर्सन को ट्राई किया जाता है। तो अब ये सब समझने के बाद अब चलते हैं इस केस के फैक्ट्स की तरफ। तो अब इस केस में द पर्सन हु इज़ अक्यूज्ड वॉज अ 16-year-old पर्सन। अब इस 16 साल के बच्चे ने एक्चुअली क्या किया कि वो अपनी मर्सिडीज बेंच कार चला रहा था और उसने उस कार से एक इंसान के ऊपर वो कार चढ़ा दी, तो इस वजह से उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के चार्ज के तहत ट्राई किया गया। ये आता है सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी में। तो अब हम जब सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ये बताया गया है कि मैक्सिमम 10 साल की सज़ा हो सकती है या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है।
तो अब जब मैक्सिमम बताया गया है पर मिनिमम क्या होगा ये बताया नहीं गया है। और अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को देखेंगे तो वहाँ पर हीनियस और सीरियस ऑफेंस, इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस क्रिएट करना होता है तो यही बात आती है कि मिनिमम सेंटेंस कितना बताया गया है। अगर मिनिमम सेंटेंस अगर आपका 7 बताया गया है तो आपको हीनियस ऑफेंस में रखना पड़ेगा, पर अगर जो सेंटेंस है वो 3 से 7 साल के बीच में है तो आप सीरियस ऑफेंस में रखोगे। और ये सब इस केस में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो इंसान था यहाँ पर वो 16 साल का था। तो जब आपकी एज 16 की है तो 16 ही एक डिसाइडिंग फैक्टर है। मतलब अगर हम ये मान लेंगे कि जो उसने एक्ट किया है वो हीनियस ऑफेंस है तो हम इस 16 साल के बच्चे को वैसे ट्राई करेंगे जैसे किसी भी अडल्ट को किया जाता है। पर अगर हम इस पर्टिकुलर एक्ट को एक सीरियस ऑफेंस मानेंगे तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या पनिशमेंट होनी चाहिए और नॉर्मल जेल में नहीं भेजा जाएगा, उनके जुवेनाइल जस्टिस केयर के अंदर रखा जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन होंगे और इस वजह से ये डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऐसा कोई पर्टिकुलर केस हो जहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट नहीं बताई गई हो, सिर्फ मैक्सिमम पनिशमेंट बताई गई हो, तो हम उसे कहाँ रखेंगे, हीनियस ऑफेंस में या फिर सीरियस क्राइम में। तो अब इसी इशू पे हमारे विक्टिम के साइड से जो एडवोकेट थे मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने ये बोला कि हीनियस ऑफेंस की अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे तो उसमें जो मिनिमम वर्ड यूज़ हुआ है कि मिनिमम पनिशमेंट होनी चाहिए 7 साल या उससे ज़्यादा की, तो उन्होंने कहा कि इस मिनिमम वर्ड को हमें एक सरप्लस एज की तरह देखना चाहिए। अब सरप्लस एज का मतलब क्या होता है? सरप्लस एज मतलब कोई भी चीज़ जो एक्सेसिव में है या फिर नॉन एसेंशियल है। तो मिस्टर लूथरा ने यही बोला कि ये मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया है ये यूज़लेस है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी सीरियस ऑफेंसेस में वो बता रहे हैं कि 3 से 7 साल, तो अगर कोई भी चीज़ जिसकी पनिशमेंट 3 से 7 साल के बीच में फिट नहीं हो रही है और 7 साल के ऊपर जा रही है तो उसको हमें डायरेक्टली हीनियस ऑफेंस मान लेना चाहिए। तो अब इस इशू पे हमारी डबल जज बेंच जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्धा बोस ने सेक्शन 142 का यूज़ किया। उन्होंने कहा कि वो मिस्टर लूथरा का जो ये आर्ग्यूमेंट है सरप्लस एज वाला, इसके साथ अग्री नहीं करते हैं, पर हाँ वो ये ज़रूर समझ रहे हैं कि एक फोर्थ कैटेगरी भी क्रिएट हो गई है, एक ऐसी कैटेगरी जिसमें आईपीसी में मैक्सिमम जो सेंटेंस है वो 7 साल से ज़्यादा का है पर मिनिमम सेंटेंस ना तो बताया गया है और अगर बताया गया है तो 7 साल से कम का बताया गया है। तो ऐसे में क्या होगा? तो इस पे कोर्ट ने कहा कि इस फोर्थ कैटेगरी पे एक नया लेजिस्लेचर आने की ज़रूरत है और उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री दोनों से ये अर्ज किया कि आप इस पे कुछ नया लॉ बनाइए और इस पे जो मैटर है इसको क्लियर करिए। पर फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ किया। आर्टिकल 142 जो कि बताता है कि कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, तो उसको यूज़ करते हुए उन्होंने कहा कि दो पर्टिकुलर तरीके हो सकते हैं, एक जो कि चिल्ड्रन के फेवर में हो और एक जो कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट हो। और चिल्ड्रन के फेवर में जाते हुए उन्होंने ये कहा कि ऐसी जो फोर्थ कैटेगरी है उसको हम हीनियस ऑफेंस नहीं सीरियस ऑफेंस मानेंगे और सीरियस ऑफेंस की तरह ही ट्राई करेंगे। तो जब ये जजमेंट आ गया, ये उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया, तो इसको पर्टिकुलर केस में अप्लाई करते हुए कोर्ट ने यही कहा कि यहाँ पर जो बच्चा है वो 16 साल का है और जो उसने एक्ट किया है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम पनिशमेंट बताई गई है कि 10 साल से ज़्यादा, मतलब 10 साल की आपको पनिशमेंट दे सकते हो पर मिनिमम पनिशमेंट नहीं बताई गई है, तो उसको हम सीरियस ऑफेंस मानेंगे और सीरियस ऑफेंस की तरह ही ट्राई करेंगे। और इसके साथ ही कोर्ट ने ये जो अपील की थी विक्टिम के साइड से इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो यही था आज का केस। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।